जैसा कि समर स्लैम के बाद से तो हमें रॉ एंड स्मैकडाउन में कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिली रही है, बट इस वीक का रॉ भी कुछ कम नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पर हमें चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, बैस इन बर्लिन के लिए मैचेस होते हुए दिखने वाले हैं ऑफिशियल, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है कि CM Punk हमें मैसेज डिलीवर करते हुए दिखने वाले हैं ड्रू मैकएंटायर को। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, लास्ट वीक के रॉ में CM Punk ने ड्रू मैकएंटायर के बेल्ट से उन पर काफी बुरी तरह से किया था अटैक, जिसके वजह से ड्रू मैकएंटायर को वहां से भागना पड़ा। एंड अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े होंगे तो आप सभी को पता होगा कि WWE बैस इन बर्लिन में इनका एक स्ट्रैप मैच कर रही है प्लान। तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस प्रोमो सेगमेंट में हमें CM Punk फिर से चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं ड्रू मैकएंटायर को। मे बी हो सकता है यहां पर हमें ड्रू मैकएंटायर देखने को मिल भी जाए उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, और इनके बीच अगेन हमें देखने को मिले ब्रॉल। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दी ऑफिशियल, वो है एक 6-man टैग टीम मैच न्यू डे एंड ओडिसी जोन्स वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट के बीच। तो ये मैच हमें लास्ट वीक के रॉ में ऑफिशियल होते हुए दिखा, एंड जैसा कि ये होने वाला है ओडिसी जोन्स का मेन रोस्टर का डेब्यू मैच, तो यहाँ पर हमें उनकी टीम की जीत होते हुए दिख सकती है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है सेमस वर्सेस पीट डन के बीच। तो आप सभी को पता है ये दोनों पहले एक साथ ही काम करते थे, बट रॉ में इंडिया में फ्यूड देखने को मिल रही है बिकॉज पीट डन ने सेमस पर ही कर दिया था अटैक। लेकिन हाँ, इस वीक के रॉ में ये दोनों पहली बार एक मैच में कम्पीट करने जा रहे हैं। अब चांसेस काफी ज्यादा है कि इस मैच का हमें कोई भी क्लियर रिजल्ट निकलते हुए नहीं दिखेगा, यानी कि ये मैच या तो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो सकता है, नहीं तो रोल अप पिन वगैरह कर हमें विक्ट्री लेते हुए दिख सकते हैं पीट डन। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट, जहां पर वो हमें बात करते हुए दिखेंगे गुंथर के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में हमें गुंथर रैंडी ऑर्टन के फैमिली पर जाते हुए दिखे थे, जिसके वजह से रैंडी ऑर्टन ने उन पर लगा दिया था RKO, और इसी चीज को लेकर इस वीक के रॉ में रैंडी ऑर्टन हमें बात करते हुए दिखने वाले। मे बी हो सकता है इस बार हमें अपर हैंड मिलते हुए दिखे गुंथर को। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच, डैमेज कंट्रोल वर्सेस सेना बेजलर एंड जो स्टार्क वर्सेस एल्बा फायर एंड आयला डॉन के बीच। अब लास्ट वीक के रॉ में हमें नंबर वन कंटेंडर मैच देखने को मिला था, लेकिन चैंपियंस ने दोनों टीमों पर कर दिया अटैक, जिसकी वजह से यह ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिल रहा है। एंड चांसेस ज्यादा यही है कि यहां पर हमें चैंपियनशिप रिटेन होते हुए दिख सकती है। वहीं जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में हमें बेस्ट इन बर्लिन के लिए मिक्स टैग टीम मैच होते हुए दिखा था ऑफिशियल, लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रिया रिप्ली एंड डैमियन प्रीस्ट के बीच, और जब भी ये लोग आमने सामने आते हैं तो इनके बीच हमें ब्रॉल ही देखने को मिलता है। इस वीक के रॉ में भी आप सब ऐसा ही कुछ कर सकते हो एक्सपेक्ट। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए जे उसो एंड सैमी जेन के बारे में, तो जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में सैमी जेन की हार हो जाती है ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट 2 out of 3 फॉल्स में, यानी कि सैमी जेन वापस से नहीं बन पाए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। सो ब्रॉन ब्रेकर का तो आप सबको कोई न्यू चैलेंजर आते हुए दिख सकता है इस वीक के रॉ में, लेकिन सैमी जेन के बारे में कर ली जाए बात। सो इस मैच से पहले हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिला था सैमी जेन एंड जे उसो के बीच, जहां पर दोनों ने इस बात को किया था कन्फर्म कि अब ये जाने वाले हैं जजमेंट डे के पीछे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। सो अगर इन्हें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है बैस इन बर्लिन में, तो ये चीज आप सबको इस वीक के रॉ में होते हुए दिख सकती है ऑफिशियल। और अगर आप सबने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आप सबको बताया था कि कौन सी स्मैकडाउन में हमें उसोस ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस को। सो ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है कि वो रॉ में आकर हमें हेल्प मांगते हुए दिखे जे उसो एंड सैमी जेन की, और वो दोनों को साथ में ले जाते हुए दिखे स्मैकडाउन पर। वैसे भी अभी रोमन रेंस का ब्रांड कन्फर्म नहीं हुआ है, वो कभी भी किसी भी शो पर हमें जाते हुए दिख सकते हैं। एंड यस, रॉ नेक्स्ट ईयर के जनवरी से नेटफ्लिक्स पर जाने वाली है, तो उसी चीज को प्रमोट करते हुए WWE ने पोस्टर्स निकाली है। इसमें हमें पूरी की पूरी ये न्यू ब्लड लाइन भी देखने को मिल रही है, रोमन रेंस भी देखने को मिल रही है, यानी कि यहां से ये चीज शायद से पता चल रही है हमें ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन नेक्स्ट ईयर से रॉ पर ही आते हुए दिखने वाली है, बिकॉज रॉ बनने वाला है ए शो। इसलिए उससे पहले कुछ अपीयरेंस WWE रोमन रेंस की रॉ पर करवा सकती है लोगों को फैमिलियर करने के लिए। एंड अभी तो ये परफेक्ट सेंस भी बन रहा है बिकॉज रोमन रेंस को हेल्प की जरूरत है और जे उसो है अभी रॉ पर। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्या चाहते हैं, ये ब्लड लाइन की फ्यूड हमें रॉ पर देखने को मिले या फिर स्मैकडाउन पर। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। कि समर स्लैम के बाद से तो हमें रॉ एंड स्मैकडाउन में कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिली रही है, बट इस वीक का रॉ भी कुछ कम नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पर हमें चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, बैस इन बर्लिन के लिए मैचेस होते हुए दिखने वाले हैं ऑफिशियल, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है कि CM Punk हमें मैसेज डिलीवर करते हुए दिखने वाले हैं ड्रू मैकएंटायर को। तो
जैसा कि आप सभी को पता ही है, लास्ट वीक के रॉ में सीएम पंक ने ड्रू मैकेंटायर के बेल्ट से उन पर काफी बुरी तरह से किया था अटैक, जिसकी वजह से ड्रू मैकेंटायर को वहां से भागना पड़ा। एंड अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आप सभी को पता होगा कि WWE बेस्ट इन बर्लिन में इनका एक स्ट्रैप मैच कर रही है प्लान। तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस प्रोमो सेगमेंट में हमें सीएम पंक फिर से चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं ड्रू मैकेंटायर को। मे बी हो सकता है यहाँ पर हमें ड्रू मैकेंटायर देखने को मिल भी जाए उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, और इनके बीच अगेन हमें देखने को मिले ब्रॉल। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दिए ऑफिशियल, वो है एक सिक्स मैन टैग टीम मैच न्यू डे एंड ओडिसी जोन्स वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट के बीच। तो ये मैच हमें लास्ट वीक के रॉ में ऑफिशियल होते हुए दिखा, एंड जैसा कि ये होने वाला है ओडिसी जोन्स का मेन रोस्टर का डेब्यू मैच, तो यहाँ पर हमें उनकी टीम की जीत होते हुए दिख सकती है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है सेमस वर्सेस पीट डन के बीच। तो आप सभी को पता है ये दोनों पहले एक साथ ही काम करते थे, बट रॉ में इंडिया में फ्यूड देखने को मिल रही है बिकॉज पीट डन ने सेमस पर ही कर दिया था अटैक। लेकिन हाँ, इस वीक के रॉ में ये दोनों पहली बार एक मैच में कम्पीट करने जा रहे हैं। अब चांसेस काफी ज्यादा है कि इस मैच का हमें कोई भी क्लियर रिजल्ट निकलते हुए नहीं दिखेगा, यानी कि ये मैच या तो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो सकता है, नहीं तो रोल अप पिन वगैरह कर हमें विक्ट्री लेते हुए दिख सकते हैं पीट डन। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट, जहां पर वो हमें बात करते हुए दिखेंगे गुंथर के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में हमें गुंथर रैंडी ऑर्टन के फैमिली पर जाते हुए दिखे थे, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन ने उन पर लगा दिया था RKO, और इसी चीज को लेकर इस वीक के रॉ में रैंडी ऑर्टन हमें बात करते हुए दिखने वाले। मे भी हो सकता है इस बार हमें अपर हैंड मिलते हुए दिखे गुंथर को। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच, डैमेज कंट्रोल वर्सेस सेना बेजलर एंड जो स्टार्क वर्सेस एल्बा फायर एंड आयला डॉन के बीच। अब लास्ट वीक के रॉ में हमें नंबर वन कंटेंडर मैच देखने को मिला था, लेकिन चैंपियंस ने दोनों टीमों पर कर दिया अटैक, जिसकी वजह से ये ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिल रहा है। एंड चांसेस ज्यादा यही है कि यहाँ पर हमें चैंपियनशिप रिटेन होते हुए दिख सकती है। वहीं जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में हमें बेस्ट इन बर्लिन के लिए मिक्स टैग टीम मैच होते हुए दिखा था ऑफिशियल, लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रिया रिपली एंड डैमियन प्रीस्ट के बीच, और जब भी ये लोग आमने सामने आते हैं तो इनके बीच हमें ब्रॉल ही देखने को मिलता है। इस वीक के रॉ में भी आप सब ऐसा ही कुछ कर सकते हो एक्सपेक्ट। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए जे उसो एंड सैमी जेन के बारे में, तो जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में सैमी जेन की हार हो जाती है ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट 2 out of 3 falls में, यानी कि सैमी जेन वापस से नहीं बन पाए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। सो ब्रॉन ब्रेकर का तो आप सबको कोई न्यू चैलेंजर आते हुए दिख सकता है इस वीक के रॉ में, लेकिन सैमी जेन के बारे में कर ली जाए बात। सो इस मैच से पहले हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिला था सैमी जेन एंड जे उसो के बीच, जहां पर दोनों ने इस बात को किया था कन्फर्म कि अब ये जाने वाले हैं जजमेंट डे के पीछे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। सो अगर इन्हें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है बेस्ट इन बर्लिन में, तो ये चीज आप सबको इस वीक के रॉ में होते हुए दिख सकती है ऑफिशियल। और अगर आप सबने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आप सबको बताया था कि कौन सी स्मैकडाउन में हमें उसोस ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस को। सो ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है कि वो रॉ में आकर हमें हेल्प मांगते हुए दिखे जे उसो एंड सैमी जेन की, और वो दोनों को साथ में ले जाते हुए दिखे स्मैकडाउन पर। वैसे भी अभी रोमन रेंस का ब्रांड कन्फर्म नहीं हुआ है, वो कभी भी किसी भी शो पर हमें जाते हुए दिख सकते हैं। एंड यस, रॉ नेक्स्ट ईयर के जनवरी से नेटफ्लिक्स पर जाने वाली है, तो उसी चीज को प्रमोट करते हुए WWE ने पोस्टर्स निकाली है, इसमें हमें पूरी की पूरी ये न्यू ब्लड लाइन भी देखने को मिल रही है, रोमन रेंस भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहां से ये चीज शायद से पता चल रही है हमें ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन नेक्स्ट ईयर से रॉ पर ही आते हुए दिखने वाली है, बिकॉज रॉ बनने वाला है ए शो। इसलिए उससे पहले कुछ अपीयरेंस WWE रोमन रेंस की रॉ पर करवा सकती है लोगों को फैमिलियर करने के लिए, एंड अभी तो ये परफेक्ट सेंस भी बन रहा है बिकॉज रोमन रेंस को हेल्प की जरूरत है और जे उसो है अभी रॉ पर। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्या चाहते हैं, ये ब्लड लाइन की फ्यूड हमें रॉ पर देखने को मिले या फिर स्मैकडाउन पर। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।